हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये बहुत छोटा भजन है और भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ भजन है। हर क्लास में हमें इसको शुरू शुरू में गाना चाहिए, गाते हैं भक्तगण। तो ये बहुत छोटा पर बहुत गुह्य भजन है। गुह्य इसलिए क्योंकि इसके सारे शब्द जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत गुह्य ज्ञान देने वाले हैं, बहुत गुह्य लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। इसमें भगवान के कुछ नाम हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि राधा रानी के साथ ये शुरू होता है, जय राधा माधव। सिर्फ अकेले कृष्ण नहीं है, भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। जैसे यदि हमें रामचंद्र जी का नाम लेना हो तो सीताराम, कृष्ण का नाम लेना हो तो राधेश्याम, राधा कृष्ण, क्योंकि भगवान शक्तिमान हैं और उनकी शक्ति उनके साथ बगल में रहती है। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम करते हैं उसमें भी हरे राधा रानी है, हरे कृष्ण राधा रानी और कृष्ण। तो हमेशा युगल जोड़ी की ही आराधना पूजा सेवा सब कुछ होनी चाहिए, इसके बिना पूजा अधूरी है। केवल कृष्ण की पूजा, केवल राम की पूजा, केवल विष्णु की पूजा ये सही नहीं है। लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे कृष्ण ऐसे ऐसे करनी चाहिए पूजा, तो भजन भी ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जितने भी हमारे इस्कॉन में नाम होते हैं मंदिरों के, वो सब ऐसे ही होते हैं, राधा पार्थ सारथी, राधा कुंज बिहारी, राधा रास बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र, राधा श्याम सुंदर, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं, राधा रानी तो है ही साथ में, पर इसके पीछे जो शब्द होते हैं ये भगवान का जो नाम है, कुंज बिहारी रास बिहारी श्याम सुंदर यशोदा नंदन गिरिवरधारी, ये सब प्रमुख नाम है भगवान के। भगवान के नाम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख और एक गौण। गौण नाम उसे कहते हैं जिसमें भगवान की उनके भक्तों के साथ, जो भगवान अपने भक्तों के साथ में मिल के एक रस में
लीला किए हैं वो नहीं है उसमें वर्णित, वर्णित उस नाम में। जैसे आपने बोला परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये सब क्या है, इसमें कुछ भगवान की लीला का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं बस, और कुछ खास वर्णन इसमें नहीं हुआ है। भगवान सदैश्वर्य पूर्ण है बस। लेकिन जब कहते हैं यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यानी यशोदा के नंदन है वो, यानी कि कृष्ण के साथ साथ यशोदा माता भी आ गई उसमें। यशोदा माता ने भगवान के साथ जो लीला की है सब उसके अंदर आ गया, क्योंकि यशोदा के नंदन है भगवान, यशोदा के नंदन है, नंद के नंदन है। तो जब भगवान अपने किसी भी भक्त के साथ कोई लीला करते हैं तो उनका नाम एक रखा जाता है उस लीला के साथ। जैसे रण छोर, भगवान युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए थे, तो भगवान है तो भगवान छोड़कर भाग भी गए तो भी वो तो ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, वो तो भगवान का गुणगान है, और उसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे गीत, बहुत सारे भजन बन गए हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो भगवान ने किया है। भगवान मिट्टी खाते हैं तो वो लीला है, और साधारण बच्चा मिट्टी खाता है तो वो तो बहुत गलत बात है, पेट में कीड़े हो जाएंगे। पर भगवान ने मिट्टी खाई तो उनके पेट में कीड़े नहीं हो गए। जब यशोदा माता ने मुंह देखा तो उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया भगवान के मुख के अंदर। तो ये है भगवान। तो भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं वो सारी लीलाओं के ऊपर उनका एक नाम हो जाता है, राधा पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी बने यानी अर्जुन के। तो ये प्रमुख नाम कहलाता है। जब भगवान की उनके भक्त के साथ कोई लीला उस नाम से जुड़ी हुई हो, तो ये जो नाम होते हैं प्रमुख नाम, ये भगवान को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को ज़्यादा अच्छा ये नहीं लगता है कि भगवान को आरती दिया दिखाया जाए और भगवान को भगवान माना जाए और भगवान से डरा जाए और भगवान को बहुत श्रद्धा आदर से उनकी पूजा की जाए। ये तो है, ये तो करना है हमको, इसको साधना भक्ति कहते हैं, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु जब भगवान के साथ भक्त एक रस में लीला करता है तो वो भगवान को बहुत खुशी प्रदान करता है। जैसे पांच प्रकार के प्रमुख रस होते हैं, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस है, उससे नीचे वात्सल्य है, उससे नीचे सख्य है, उससे नीचे दास्य है। ये सारे रस जो होते हैं, ये चार प्रमुख रस हैं, उसके पहले शांत है। तो ये रस में जब भगवान के साथ कोई रहता है और लीला करता है तो वो भगवान को बहुत आनंद प्रदान करता है। तो यहाँ पे कैसे है, गिरिवरधारी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। कब उठाया था? जब इंद्र ने बहुत बारिश की थी। 7 वर्ष के थे भगवान और ब्रजमंडल में इंद्र ने इतनी बारिश की, इतनी बारिश की कि एक एक बारिश की बूंद एक एक खंभे के समान गिरती थी, क्योंकि नंद बाबा ने उनकी पूजा नहीं की। क्यों नहीं पूजा की? क्योंकि कृष्ण ने मना किया, मत करो, कोई जरूरत नहीं है इंद्र की पूजा करने की, गोवर्धन पर्वत ही काफी है। क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था, भगवान उसके अहंकार को चूर करना चाह रहे थे, इसीलिए भगवान ने नंद बाबा को सिखा दिया। नंद बाबा ने अपने पुत्र की बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद कर दी, सारी सामग्री धो गोवर्धन पर्वत को चढ़ा दिया गया। इंद्र नाराज हो गया और बारिश कर दिया बहुत ज्यादा। भगवान ने पर्वत उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को बोला आ जाओ इसके नीचे। सारे ब्रजवासी सुरक्षित रहे 7 दिन 7 रात, न उनको भूख लगी न प्यास लगी, एक टक से भगवान को देखते रहे और भगवान भी एंजॉय करते रहे। इतने सारे ब्रजवासियों के साथ रात दिन एक साथ 24 घंटे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 7, 24x7, 7 दिन तक थे, 7 रात तक थे। तो भगवान भी खुश, उनके भक्त भी खुश। बाद में इंद्र पश्चाताप किया, माफी मांगने आया इत्यादि। तो गिरी गोवर्धन को भगवान ने उठाया था, इसीलिए गिरिवरधारी। अब भगवान यमुना के तट पर लीला करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इसीलिए यमुना तीर वनचारी, यमुना के तट के वनों में
वो विचरण करते हैं। जय कुंज बिहारी, और कुंज में भी विहार करते हैं। विहार और विहार एक ही शब्द है। विहार, विहार यानी विचरण करना, लीला करना, घूमना फिरना। और वही वह जब बंगाल में और बिहार में, जो भी जो बिहार स्टेट है, विहार से ही बिहार, जो वह है उसको ब बोलते हैं इस साइड के लोग, बंगाल में खास करके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आपने देखा होगा, भक्ति विनोद नाम नहीं है, भक्ति विनोद, जबकि विनोद है भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का एक नाम विनोद भी है। तो राधा रास बिहारी, राधा कुंज बिहारी, ये जो बिहार शब्द आया है ये विहार से आया है, और विहार का अर्थ होता है विचरण करना, घूमना फिरना इत्यादि, लीला करना। तो भगवान विहार करते हैं यमुना तट पर, यमुना तीर, वनचारी वन पे विचरण करते हैं। और गोपी जन वल्लभ, ये तो सबसे ऊंचा उनका नाम है, सबसे ऊंचा नाम, सबसे उत्कृष्ट नाम है, जो गोपियों के वल्लभ हैं, गोपियों के पति हैं, गोपियों के भर्ता हैं, गोपियों को सब कुछ देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनके मालिक हैं, उनको प्रेम प्रदान करते हैं, इसीलिए गोपी जन वल्लभ। तो ये सारे जो भगवान के नाम हैं, ये सारे नाम भगवान को बहुत आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भगवान के नाम उनके बहुत अच्छे अच्छे भक्तों के साथ जो उन्होंने लीला की है, उन लीलाओं को की याद दिलाता है भगवान को। जैसे अब साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, लेकिन भगवान तो इस दुनिया में यही चखने के लिए आए थे, लीला का आस्वादन लेने के लिए आए थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो है उसमें दुष्कृताम का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, दुष्टों का नाश करने के लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान भ्रिकुटी मात्र के विचलन से कर देंगे। लेकिन साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए वो मुख्य बात है, जिसके चलते भगवान आते हैं हमेशा, और इस बार भी आए थे राम बन करके, श्याम बन करके। जब भी आते हैं भगवान तो मुख्य कार्य होता है उनका भक्तों को आनंद प्रदान करना, और उस आनंद को खुद भी वो एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भक्तों को आनंद देते हैं और वो खुद निरस रहते हैं, नहीं, वो भक्तों को आनंद देते हैं और भक्त जब रिएक्ट करते हैं तो वो उनका रिएक्शन कभी कभी इतना सुंदर होता है कि भगवान को भी आश्चर्यचकित कर देता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो भगवान के भक्तों की लीलाएं भगवान को बहुत आकर्षित करती है और बहुत खुशी प्रदान करती है। और जब उसी नाम से भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान जहां भी कहीं होते हैं सुन दौड़ के चले आते हैं वहां पर। ओ, मुझे कह रहे हैं गोपी जन वल्लभ, चलो मेरी गोपियां इतनी अच्छी भक्त हैं और मैं उनका वल्लभ हूँ, तो कौन ये व्यक्ति है जो मुझे गोपी जन वल्लभ कह के पुकार रहा है, जरा देखूँ। तो ऐसा करके भगवान वहाँ चले आते हैं। कौन मुझे यशोदा नंदन कह रहा है, जरा देखूँ। तो ऐसा करके भगवान वहाँ चले आते हैं। तो ये जो भजन है, और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे भजन जिसमें भगवान के नाम हैं और शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं भजन, ये याद रखना हमें बहुत आवश्यक है। वैसे तो आजकल बहुत सारे भजन बनते हैं, लेकिन जब शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे गए भजन को आप गाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो बाकी लोग लिखते हैं फिल्मी गानों के ऊपर आधारित वगैरह, वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला भजन नहीं है। थोड़ा सा मज़ा आएगा शुरू शुरू में, पर बाद में वो टिकेगा नहीं। शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखा गया भजन, गाया गया भजन जो है वो बहुत गहरे हृदय तक को छू जाता है, और वहाँ तक हमारे अंदर में जाकर के हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है, भक्ति जगाता है, शुद्ध भगवत प्रेम जगाता है। तो वैसे भजन को हमें गाना चाहिए। और अभी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय।